कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने से शहर में डर सा माहौल बना हुआ है। कोरोना की चपेट में आने से अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बड़े पैमाने पर प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं शहर में कोरोना जांच के लिए महात्मा गांधी कॉलेज में कोरोना जांच के लिए कैंप लगाया गया है, पर आए दिन कोरोना जांच करने में लोगों द्वारा प्रतिसाद नहीं मिलने से कोरोना जांच करने वालों की दिन ब दिन कमी आने से कोरोना मरीजों की पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी के मद्देनजर शहर में कोरोना संक्रमित मरीज खुलेआम शहर में भटकते नजर आ रहे थे। कोरोना वायरस की जांच में कमी आने पर मंगलवार की सुबह शिवाजी चौक पर तहसीलदार वरुण कुमार सहारी, पुलिस निरीक्षक संतोष वराकड़े, अधिकारी प्रशांत पाक, मुख्याधिकारी अर्चना बंजारी, आरोग्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा लोगों की कोरोना वायरस जांच की गई, जिसमें आने जाने वाले लोगों की ऑन द स्पॉट एंटीजन टेस्ट कराई गई, जिसमें 60 लोगों की जांच कराई गई। शहर से कोरोना वायरस की जांच करना महत्वपूर्ण होते हुए भी लोग जांच कराने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना मरीजों की पहचान होना मुश्किल होते जा रहा है। वहीं कोरोना मरीज खुलेआम घूमने से कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। वही लोग कोरोना जांच कराने में घबराने से कोरोना जांच में कमी आ रही है, जो चिंता का विषय है। प्रशासन ने शहर में सभी की कोरोना जांच हो, जो कोरोना संक्रमित हो उसे पार्श्वनिक के कोविड सेंटर में दाखिल कर उस पर इलाज कराकर कोरोना से मुक्त करने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, ताकि कोरोना का प्रसार न हो और लोगों की सुरक्षा हो। इसलिए जहाँ वहाँ प्रशासन की ओर से शहर में कोरोना जांच ऑन द स्पॉट की जा रही है, जिसमें कोरोना मरीजों की पहचान की जा सके और शहर को कोरोना मुक्त करने में सहयोग हो सके। इसलिए स्थानीय प्रशासन की ओर से शहर में बड़े दल बल के साथ नगर में कोरोना वायरस की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इस जांच अभियान में तहसीलदार वरुण कुमार सहारी, पुलिस निरीक्षक वैराकड़े, मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी, अधिकारी प्रशांत पाक तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। वही गौरव पनवेलकर ने भी इस कोरोना जांच में प्रशासन को सहयोग करते नजर आए। IBCN न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट।